जो 20 तारीख को हमारा मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा का और राज्यसभा का, हमारे लिए 5-6 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम जरूर चर्चा चाहेंगे, बहस होनी चाहिए, इसकी हम मांग करेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। पहला विषय तो मणिपुर है। इस पर कांग्रेस पार्टी अडिग है, इस पर हम इससे पीछे हटेंगे नहीं, इससे इस पर चर्चा होना जरूरी है। शुरुआत में ही इस पर बहस होने की जरूरत है। इसमें प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बहस होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को जो हुआ है मणिपुर में, जो चुनौतियां हैं, सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है और करने वाली है, उसको संसदों को अवगत कराएं, उसकी जानकारी दें, बयान दें, स्पष्टीकरण दें, अपना मौन व्रत तोड़ें। ये हमारी पहली मांग है इस सत्र से। दूसरा बड़ा मुद्दा है रेल सुरक्षा। हमने देखा है कि वंदे भारत के नाम पर, इनॉग्रेशन के नाम पर जो कॉम्प्रोमाइज, जो समझौता हुआ है रेल सुरक्षा को लेकर, रेल सेफ्टी को लेकर, और इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मिसाल जो हमें देखने को मिला है बालासोर में, इस पर क्योंकि रेल बजट पेश नहीं होता है, रेल मंत्रालय में जो चुनौतियां हैं, जो काम हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, उस पर सांसदों को बोलने का मौका नहीं है विस्तार से, तो हम जरूर इस पर चर्चा चाहेंगे जो बालासोर में हुआ है, और खास तौर से रेल सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या मंशा है। तीसरा मुद्दा जो संघीय ढांचा पर आक्रमण हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार खुद कर रही है यह आक्रमण। कुछ ऐसे मिसाल है जहां जो व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किए हैं उनके ओर से यह आक्रमण हो रहा है, यह संविधान का उल्लंघन है। चुने हुए राज्य सरकारों पर यह सीधा आक्रमण है मोदी सरकार के द्वारा, राज्यपालों के द्वारा। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके खिलाफ रही है, इसके खिलाफ लड़ी है, लड़ती रहेगी संसद के अंदर, संसद के बाहर। और ये मुद्दा हमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम पहले ही उठाएंगे, जो संघीय ढांचा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर जिस तरीके से रोज आक्रमण हो रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, मोदी सरकार के जो नियुक्त किए गए हैं व्यक्ति, राज्यपाल खास तौर से उनके द्वारा, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जो स्वतंत्रता है उसको खत्म किया जा रहा है, इस पर हम जरूर चर्चा मांगेंगे। चौथा मुद्दा जीएसटी को लेकर जो अभी अभी जानकारी आई है कि पीएमएलए छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगा। ऐसे तो लघु उद्योग पर लागू होता ही है, पर पहली बार हम पढ़ रहे हैं कि पीएमएलए छोटे व्यापारी पर भी लागू होगा। ये हम समझते हैं
ये बिना कोई चर्चा किए हुए, बिना कुछ जानकारी दिए गए हुए, ये अपने आप अपनी मनमर्जी से मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हमारी पार्टी की ओर से अभिषेक सिंघवी जी ने बहुत कुछ कहा है दो दिन पहले, पर यह मुद्दा हम जरूर पार्लियामेंट में उठाएंगे। इन्फ्लेशन को लेकर जो रोजाना की वस्तुएं हैं उस पर उनके जो कीमतें हैं, दाल, चावल, टमाटर, सब्जियां, रसोई गैस तो है ही है, तो जो दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि मुद्रास्फीति का दर घट रहा है, वो तो अभी तो घट नहीं रहा है, वो तो अब बढ़ रहा है। और न केवल टमाटर इसमें शामिल है बल्कि और भी आवश्यक वस्तुएं हैं जो सभी परिवारों पर यह बोझ बनकर पड़ा हुआ है। इस पर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करने वाली है, क्या करना चाहती है, जरूर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे महात्मा गांधी नरेगा है, ग्रामीण विकास के लिए जो कार्यक्रम, जो परियोजनाएं यूपीए के सरकार के समय से लागू हुआ है उसको कमजोर किया जा रहा है अलग अलग बहानों को लेकर, डिजिटलाइजेशन के बहाने में जिस तरीके से महात्मा गांधी नरेगा को खत्म किया जा रहा है, लोग रोजगार चाह रहे हैं पर रोजगार उनको मिलता नहीं है, ये अजीब सी स्थिति है और ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री भी कहते रहते हैं, पर जिस तरीके से एक बीजेपी सांसद पर आरोप लगाए गए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है दिल्ली पुलिस द्वारा, ये हमारे सारे समाज पर एक कलंक है। और ये मुद्दा भी आज विचार में आया और हम जरूर इसको लोकसभा और राज्यसभा में जरूर उठाएंगे। जेपीसी का मुद्दा पिछले सत्र में भी था, ये सत्र में भी होगा, और नई जानकारी आई है मोडानी को लेकर। कल ही हमने देखा है उसका एक मिसाल, धारावी परियोजना। तो जेपीसी की मांग जो हमने की है, क्योंकि जो सवाल हम उठा रहे हैं मोडानी को लेकर वो कोई विशेषज्ञों की समिति के द्वारा जांच नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त समिति के द्वारा उस पर जांच नहीं हो सकती, सिर्फ जेपीसी ही इस पर जांच कर सकती है। और यह हमारी सारी विपक्ष पार्टियों, कई विपक्ष की पार्टियों का की मांग थी और इस सत्र में भी ये मांग रहेगी। और अलग अलग राज्यों से लेकर कुछ मुद्दे हैं, असम में डिलिमिटेशन का मुद्दा है, मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा है, ये राज्यों के मुद्दे भी हमारे सांसद उठाते रहेंगे। मैंने साफ कहा है जो आक्रमण संघीय ढांचा पर हो रहा है, जो चुने हुए सरकारों पर आक्रमण हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, मोदी सरकार द्वारा और मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा, उसके हम खिलाफ रहे हैं और रहेंगे और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।